बड़वानी से स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारियों का हंगामा, पुराने कर्मचारियों का वेतन दिए बगैर ठेकेदार पर नए कर्मचारियों की भर्ती का लगाया आरोप। बड़वानी स्वास्थ्य विभाग में ठेके पद्धति के बाद आए दिन आरोप प्रत्यारोप का माहौल देखने को मिलता। पूर्व में भी स्वास्थ्य सफाई कर्मचारियों के द्वारा ठेकेदार पर वेतन न देने का आरोप लगाकर हड़ताल की, जिसके बाद अब ठेकेदार बदल गया, जिसने आते ही पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी रखे। हटाए गए सफाई कर्मचारियों का आरोप कि उनके वेतन अब तक नहीं मिले, उन्हें हटा दिया गया। हालांकि इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर आरसी चोयल ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के बिल नहीं मिल पाए, इस कारण वेतन नहीं दिया। जबकि आरएमओ की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि उनका काम ठीक है, नया ठेकेदार आया है, उसने नियुक्ति की है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष ने भी कर्मचारियों को वेतन देने और उन्हें फिर से काम पर रखने की बात करते हुए कलेक्टर से चर्चा करने की बात कही। यहाँ पर काम बताते हैं ये लोग वो करते नहीं, दूसरा मुंह जोरी हमारे को बिगड़ आदेश हटाया गया है। किरण सेन, किरण जी, किस तरीके का हंगामा हो रहा है यहाँ पर? हड़ताल के वजह से हंगामा हो रहा, हमारी सैलरी नहीं डली, इस वजह से हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? तनख्वाह नहीं डली हमारी, ये दिक्कत आ रही है। और क्या, ठेकेदार चेंज किया गया है? हाँ, ठेकेदार चेंज हो गया और उन्होंने नए कर्मचारी भी रख लिए और हम लोगों को हटा दिया गया है। 15 साल से नियमित काम कर रहे हैं हम, और सुबह से हमने बोला ठेकेदार को कि कल आया था तो बोले यहाँ की हमको जानकारी मालूम ही नहीं है, और रात भर में गेम खेल लिया सबने मिलके, और सुबह से 15 से 25 कर्मचारी ले आया और ऊपर से थाने में जाके रिपोर्ट भी डाला है हमारे खिलाफ। क्या बोलता है? और ये बोलता है कि मेरे को तो कहीं मालूम ही नहीं था, बोले है मेरे को मालूम ही नहीं था। आज तेरे को कैसा मालूम हो गया, और आज तू काम पे कैसे कर्मचारी उनको रख रहा है? किस प्रकार से तेरे को मालूम हो गया रातम रात और तूने कर्मचारी रख लिए हैं? हैं, हमने कोरोना में भी ड्यूटी करी है, हमको यही मिलेगा क्या? 15 साल तक हमने काम करा है, हैं, और आज हमको बाहर निकाल दिया गया है, हैं? हमारी भाई एक मर चुकी है और एक और बीमार हो गई है, उसका क्या आए दिन हमारे यही हाल होते रहेंगे? क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको टाइम पे तनख्वाह चाहिए और काम चाहिए, बस हमारी कोई शिकायत नहीं। अभी अधिकारियों से बात की है, क्या बोला उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि अभी बात करते हैं, हमारी सहमति निकाल रहे हैं, और क्या है? रोगी कल्याण का पीएफ भी हमारा डला नहीं, ना ही तनख्वाह डल रही, ना ही पीएफ डल रहा है, तो हमने करना क्या? फ्री सेवा कैसे देंगे? 3 महीने तक दे दी, उसके बाद भी परेशान हो रहे हैं। नए ठेकेदार आया है, नए कर्मचारियों को रख लिया है, पुरानों को हटा दिया है, हंगामा हुआ है, क्या कहूँ? हाँ, ये गंभीर समस्या है। मुझे इन कर्मचारियों ने बुलाया है कि भैया हमारे साथ साथ ऐसा हो रहा है, विगत 10-15 साल से जो कर्मचारी करते आ रहे निरंतर काम, उनको हटा दिया गया और 15 नए ठेकेदार ने नए कर्मचारी रख लिए। तो हमारी अभी बात हुई है आरओमओ और नए ठेकेदार से, उनको हमने बोला है कि आप ऐसा मत करो, जो पुराने कर्मचारी वो उनको अनुभवी और वो निरंतर काम करते आ रहे हैं, उनको क्यों हटाया जा रहा है? तो उस पर चर्चा हुई है, अभी वो बातचीत चल रही है। ऐसा है कि वो वापस पुराने कर्मचारी को रखेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वेतन नहीं मिला पिछले 3 महीने से, खाने पीने के लाले पड़ रहे लोग। वेतन का वो सही बात है, इनका वेतन पिछले 3 माह से ठेकेदार डाल नहीं रहा है, ठेकेदार चेंज है। ये हमारे कर्मचारी बहुत परेशान है, अत्यंत गरीब है। इस विषय में हमने कलेक्टर साहब को, हमारे डॉक्टर सुमेश सिंह सोलंकी जी ने अवगत कराया, उनको कॉल करा और कहा कि इनका वेतन अति शीघ्र डाले। कलेक्टर साहब ने बोला कि 2 दिन में इनका वेतन डलवा दूंगा। सर, कर्मचारियों ने हंगामा किया है, नए ठेकेदार को काम दे दिया है, पुराने कर्मचारी को हटा दिया है। सर, अभी जो नया ठेकेदार आया है वो नया काम शुरू कर रहा है, उनके जो देख बाकी है जल्दी निकलने रहा। सर, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला पिछले 3 महीने से? वेतन ये जो पुराने ठेकेदार ने अभी बिल ही प्रस्तुत नहीं किए, जब बिल प्रस्तुत करेगा उसके बाद। सर, आरएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा संदेह उठता है, सर इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं की गई आप लोगों ने? आरएमओ अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, उनको काम का बोलते हैं तो इसके बाद शिकायतें होती है। सर, जिला खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौड़ की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।